नमस्कार मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत क्वेरीज आ रही थी कि बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है, 15 महीने का हो गया है, 16 महीने का हो गया है, बट स्टिल अभी तक उसके एक भी दांत नहीं आए हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो आज का वीडियो हमारा इसीलिए है। हम आपको इसमें बताएंगे बच्चों में लेट टीथिंग का क्या रीज़न होता है, हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। बेबी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मामा बच्चा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। जनरली जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दूध के दांत आना चालू होते हैं। 4 महीने का जब बच्चा होता है तो आप उस टाइम पे दांत आने के सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों की लार का निकलना, बच्चे का हर सामान का मुंह में डालना, हर टाइम चिड़चिड़ा होना, फीड नहीं करना अच्छे से। तो ये सब सिम्टम्स आप जब भी बच्चा 4 महीने का होता है तब आप देख सकते हैं, लेकिन 6 महीने हो जाते हैं बच्चों के फर्स्ट दांत आने में, फर्स्ट टूथ दिखने में 6 महीने लग जाते हैं। बट जैसे कि हम सब जानते हैं हर एक बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चों में 10 महीने में दांत आते हैं, कुछ बच्चों में इवन 12 महीने के बाद दांत आते हैं। जैसे अगर मैं अग्रिमा की बात करूं तो अग्रिमा 9 महीने की हो गई थी, उसके बाद ही उसका पहला दांत आया था। तो आप एकदम से पैनिक मत होइए, बच्चे को टाइम दीजिए। अगर 18 महीने तक की आपके बच्चे का एक भी दांत नहीं आए तो उस केस में आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए या जो बच्चों के दांतों के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों बच्चे के दांत अभी तक नहीं आए हैं। बच्चों के दांत ना आने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब हम बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे को च्यू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बच्चा दांतों के थ्रू ही च्यू कर सकता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब बच्चों के दांत नहीं आते हैं तो कुछ पेरेंट्स उसके गम्स को, बच्चे को गम्स को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, और जैसे हम मीठा खिलाते जाते हैं बच्चे को और सिंस हम अच्छे से उसका मुँह साफ नहीं करते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं, तो उस वजह से कई बार बच्चों में कैविटी हो जाती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि अगर बच्चे में दांत लेट आते हैं तब हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों में दांत लेट आते हैं। 80% रीजन ये होता है कि जनरली फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है, या तो बच्चे के पेरेंट्स को, मॉम को या फादर को, किसी ना किसी के साथ ऐसा होता है कि हम कह सकते हैं हेरिडिटरी होता है ये, कि फैमिली में ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो इस वजह से बच्चे में भी जो दांत है वो लेट निकलता है। आप अपने फैमिली में पूछिए, अपने रिलेटिव्स से पूछिए, अगर आपके बचपन में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो फॉर श्योर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो एक मेन रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि बच्चों के दांत निकलने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैल्शियम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही मिलता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं है तो फॉर्मुला मिल्क में वो सारे विटामिन, फॉस्फोरस, कैल्शियम होता है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क ज़रूर दीजिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि 1 साल से पहले ही बच्चे को गाय का दूध देने लग जाते हैं। गाय के दूध में कैल्शियम नहीं होता है, तो अल्टीमेटली बच्चे की बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो बच्चे को दांत आने में ऑब्वियसली डिले होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कैल्शियम देना ज़रूरी है। इवन कुछ डॉक्टर्स आफ्टर डिलीवरी मदर्स को 2 महीने के लिए कैल्शियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी बहुत हद तक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मदर्स कैल्शियम का इंटेक करती हैं तो उनके मिल्क से होता हुआ बच्चे में जाता है, और जो कि बच्चे को दांत आने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चे में पुअर न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से बच्चों में दांत नहीं आ रहा है। तीसरा रीज़न ये है कि हम में से काफ़ी लोग को पता होगा कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक के पास होती है, जिससे कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। कई बार वो हार्मोन इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकलता है जितने कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो कुछ बच्चों में थायराइड इतना ज़्यादा नहीं निकल पाता जिसकी वजह से वो किसी भी डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव करने में थोड़ा डिले होते हैं, भले से वो चाहे बैठना हो, चलना हो, खड़े होना हो, इसी तरह दांत का आना हो।
ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से बच्चों में लेट दांत आते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 महीने का है, 15 महीने का है, अभी तक दांत नहीं आया है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका बच्चा 15 महीने से ऊपर हो गया है, 18 महीने का हो गया है, तो आप जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि किन कारणों की वजह से बच्चों में दांत डिले हो रहे हैं। या डॉक्टर हो सकता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर दे बच्चे को, तो जिससे कि उसका जो दांत है वो जल्दी आ जाए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी आपको बेबी रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।